के भागवत जी के एक भी श्लोक को भागवत जी के एक भी भाव को समझना कठिन है। जब तक किशोरी जी की कृपा ना हो तब तक ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। कबहु अंग अवसर पाई मेरी सुध ध्याय भी कबहु करुण कथा चलाई। ये वे भगवती हैं, ये वे माँ हैं जो अपने भक्तों के क्लेशों को दुखों को सुन कर गए और बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को सुनाती हैं। तब ठाकुर जी अपने उस भक्त के क्लेश का हरण कर देते हैं। भगवान का एक नाम है हरि, क्लेशम हरति इति हरि। जो सबके क्लेशों का हरण कर लेते हैं उनका नाम है हरि। और किशोरी राधा रानी भी ऐसे एक माध्यम है जो अपने संतान के दुखों को सुन करके, अपने भक्तों के दुखों को सुन करके भगवान सुनाती है। भगवान उस भक्त के दुख को समाप्त कर देते हैं। एक श्याम है तो एक मानो चंदा है और चकोरी की भांति देखती रहते हैं। कौन? किशोरी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मुख को और श्री कृष्ण भगवान किशोरी श्री राधा रानी के मुख को। दोनों मानो एक दूसरे की ओर देख करके दोनों की भावनाओं को जानने का प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के मन की कुछ भावनाओं का अनुमोदन किशोरी जी करते हैं तो कभी कभी श्री राधा रानी की कुछ भावनाओं का अनुमोदन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। क्योंकि किशोरी राधा रानी योग माया है। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला किशोरी श्री राधा रानी की आज्ञा से ही संपन्न हुई है। उनकी आज्ञा लेकर के ही भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। दोनों में भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा रानी का नाम लेना जरूरी है और लेना ही चाहिए। प्रत्येक जीव का धर्म है। क्यों? क्योंकि श्याम चंदा है। श्याम चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जो
जय हो। श्री राधा कृष्ण।